उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधु अनुकृति गुसाई, उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुदेश गंगवार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद अनुकृति गुसाई ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनुकृति गोसाई को सब कुछ दिया है। जब वह राजनीति में नौसिखिया थी तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया और उन्हें राजनीति में बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन जिस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया अगर वह उसका सिला इस तरीके से दे रही है तो इसको जनता भी भलीभांति समझ रही है और आने वाले समय में जब जनता इसका जवाब जरूर देगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुझे लग रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने ज्यादा देखते हैं। जब जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिलता तो वो दाढ़े मार करके रोना भी जानते हैं। अब जनता भाजपा का चाल चरित्र चेहरा भलीभांति समझ रही है। जो है, भाजपा चुनाव से पहले लगातार दावा कर रही थी कि 75% मतदान का हमारा लक्ष्य है, 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा सीट जीतेंगे, हमारा पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत है। सब दावों की पोल खुल गई, मतदान प्रतिशत इतना कम हुआ कि अब भाजपा को जीत के भी लाले पड़े हुए हैं और अपनी विफलता का ठीकरा वो कांग्रेस पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर डटा रहा और कांग्रेस का मतदाता भी जो है वोट देने के लिए पहुंचा। भाजपा का समर्थक वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकला, और निकलता भी क्यों? क्योंकि 10 सालों से लगातार वो झूठ और जुमले और मन की बात सुन रहा है। उसके मन की बात तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, जो है उत्तराखंड से पलायन नहीं रुका। जनता का आक्रोश है कम मतदान के रूप में, और भाजपा उस सच को भी स्वीकार नहीं करना चाहती। 4 जून को जब मतदान के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो है इनको सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रशासनिक विफलता है, चुनाव आयोग की विफलता है और सरकार की विफलता है, उसे भाजपा स्वीकार नहीं करना चाहती है। लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ देख और समझ रही है।